कोई डाउट है? एक्सरसाइज 2 में शायद 1 to 40 बोले थे करने के, इजी इजी सो हो बुकलेट जाना आ गया चाहिए। इसका? मिला नहीं है तुम लोग को? बाकी नो सर, सर ग्रुप में डाल दिया गया। हाँ उसका 1 मिनट फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, बहुत पहले ही शायद मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लास पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखे थे। मोस्टली हमारा स्फेरिकल बॉडी होगा, तो सॉलिड स्फेयर की अगर हम बात करें, अगर सॉलिड स्फेरिकल स्फेयर है अगर कोई भी, तो इसके लिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करे थे। अगर आर इज टू, हम आर स्मॉलर बोल रहे हैं, 0 हो, क्या था याद है बताओ? सर आवाज नहीं आ रहा सही से। हेलो, सर कट रहा आवाज। सर बहुत ज्यादा आवाज कट रहा है। नेटवर्क तो यहाँ सही है। सर अब आ रहा। सर जी है सर, ठीक है, हम बोल रहे हैं मैग्नेट ग्रेविटेस, क्या हुआ? सो पूछिए आप। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम फाइंड कर रहे हैं, और हमने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दे रखा है, तो हम लोग पता किए थे कि 0 r जब लेस देन r हो, r यानी कि स्फेयर का, जैसे अगर स्फेयर है हमारा, तो इसका कैपिटल r बोल रहे हैं किसका रेडियस है, एंड स्मॉल r बोल रहे हैं इसकी सेंटर से दूरी। तो सेकेंड वाले सिचुएशन में क्या फॉर्मूला आया था बताओ? सो जी एम इंटू 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर। क्या? सर 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 आर। 3 r² क्या यस बोल रहे सर, हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, सर 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। यही था। ठीक है, इसमें हम बोले थे कि अगर हम r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको सेंटर पे मिल जाएगा, जो कि हमको -3/2 gm/r दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस सरफेस की बात करें, तो सरफेस पे अगर हम फाइंड करेंगे, तो ये हमको मिल रहा था -gm/R। और अगर ये r > r हो रहा था, तो हम लोग -gm/r लिखा करते थे। ठीक है, कर्व भी हम लोग बनाए थे इसका। पोटेंशियल हमको मिल गया, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये। अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और हमको पोटेंशियल इनर्जी चाहिए होगा, तो हम इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एम से मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। इसका मास हम एम ई लिखेंगे और रेडियस आर ई लिखेंगे। हम इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, जिसका स्मॉल मास एम है, जिसका हाइट एच है, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, इसके अर्थ सरफेस से, हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम लोग अर्थ सरफेस के पास कर रहे हैं, हम इसको इतने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास अर्थ सरफेस दे रखा है, एम मास हाइट से हम एक किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका
जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग क्या उसका वेलोसिटी होगा ये बताना है, ठीक है? याद दिला दे कि अगर ये हमारा अर्थ सरफेस हुआ करता था और हम एच हाइट से छोड़ते थे तो हम लोग फाइंड करते थे अंडर रूट टू जी एच जो होगा वेलोसिटी होगा जस्ट बिफोर कोलिजन। लेकिन ये कब किया करते थे? जब हमारा ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट हुआ करता था, यानी नियर अर्थ सरफेस के पास। अब यहाँ हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, यानी कि नेग्लिजिबल तो है नहीं, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल होगा। फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट जी एम बाय एम आर ई। सो मेरा सो अंडर रूट जी एम बाय आर ये आ रहा है। आधी से स्मॉल एम मल्टीप्लाइड रहेगा नीचे, नहीं सर, नहीं सर, ठीक है सर, एम नहीं रहेगा नीचे, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। और मेथड क्या यूज किए हो? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व करा लेंगे, ठीक है। ऐसा भी अगर कोई सोच रहा होगा कि हम यहाँ पे इस पे फोर्स निकाल ले, फोर्स जो होगा वो वेरिएबल होगा डिस्टेंस के साथ साथ, तो वैसे भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा डिस्टेंस के साथ, तो ज्यादा बहुत सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ जाएगा, लेकिन मेथड वो भी सही है। वेरिएबल हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला आर के डिस्टेंस में फाइंड कर लेंगे, फिर वेलोसिटी वहां से डिराइव कर लेंगे, ठीक है। इजी मेथड क्या है? तो इजी मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनर्जी कंजर्व करेंगे। दोनों सिस्टम में बाहर से और कोई फोर्सेस लग नहीं रहे, कोई भी डिसिपेशन ऐसा एयर रेजिस्टेंस से कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा हम लोग शुरू से ही नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि इनिशियल इनर्जी जो होगा वो फाइनल इनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। मैकेनिकल इनर्जी की बात करते हैं हम, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो माइनस जी एम ई एम बाई आर ई प्लस आर ई बाहर में है, तो हम लोग टोटल आर लिखेंगे, जो ये वाला फॉर्मूला है वी का, इसमें एम से मल्टीपल करके लिखे। इनिशियली उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह जीरो लिख रहे हैं। फाइनली अर्थ सरफेस पे है, तो उसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो अर्थ सरफेस का रेडियस के बराबर होगा, और सम कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो उसका एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एम ई एम ई एम ई कैंसल आउट हो जा रहा है, यानी कि यहां से हमको दिख रहा है कि हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस चीज को हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमको मिल रहा है ये एम ई बाई आर ई वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये भी प्लस वन बाई टू आएगा, यानी कि वी स्क्वायर हमें तो कट गया, अंडर रूट जी एम बाई आर ई आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेथड क्या यूज करना है, क्लियर? ऐसे सवाल पूछेगा, किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलो। नहीं है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे पार्टिकल है, इसको हम ऊपर फेंक दे रहे हैं किसी स्पीड v से, ठीक है। भी जो है सफिशियंट है, स्मॉल नहीं है, यानी कमलेट से कह दे रहे हैं कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वैल्यू यूज नहीं करना है, वी नोट से हम फेंक रहे हैं। 5 किलोमीटर पर सेकेंड इसलिए हम लिखे हैं ताकि हमको ये बात समझ आए कि हाँ ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड नहीं है कि 10 मीटर हाइट तक ही जाएगा, यहाँ 5 किलोमीटर चल रहा है 1 सेकेंड में, यानी कि बहुत ही हाई स्पीड है।
ठीक है, अगर हम इसको वी नॉट स्पीड से फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल। ठीक है, अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं इतने स्पीड से तो कितना होगा, इसका मास एम रख लो, इसका मास एम ई और रेडियस आर। बोलो साथ साथ क्या होगा, इनिशियल एनर्जी को फिर से फाइनल एनर्जी के बराबर करना है, इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, फाइनली भी उसके पास कुछ होगा। एक चीज तो हम जानते हैं कि इनिशियल उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो अर्थ सरफेस पे है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अर्थ सर्फेस से फेंक रहे हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इनिशियली पार्टिकल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो सरफेस पे है। तो यहां से हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं जी एम ई एम बाय आर ई, अर्थ सरफेस के पास है। काइनेटिक एनर्जी तो हम दे ही रहे हैं वी नॉट स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमको नहीं पता कितने हाइट तक जाएगा, तो माइनस जी एम एम बाय, यहाँ पे हम एच सेंटर से लिख सकते हैं या फिर सरफेस से, जैसा लिख के सॉल्व करना हो हम आर ई प्लस एच लिख देते हैं। और फाइनली जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा, तो यहाँ पे हम जीरो रख लेते हैं। इसको हम सॉल्व करके एच की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे काम हम लोग पहले कर चुके हैं वर्क पर एनर्जी। ठीक है, यानी कि ये सारे काम नाइन्थ में भी इन्फेक्ट करे हो, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला हमारा चेंज हो जा रहा है। सर बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं हो गया 11 में? अभी तो हीट थर्मोडायनेमिक्स शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तक तो जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग सारे सारे क्या हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड है। आगे हीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उसमें कहोगे तो एक ही चैप्टर में इतना सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले का बाढ़ है वहां पे। अरविन पढ़ चुका है उसे पूछ लो। सर उतना सब याद कैसे रहेगा? जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे याद होता ही रहेगा। पहले ही अगर डर मान जाओगे तो कैसे काम चलेगा? रिवीजन सबसे बेस्ट होता है, बार बार करोगे तो ही जाके याद होगा। अगर रैंक चाहिए तो करना पड़ेगा रटाफिकेशन। समझना तो जरूरी है ही कि समझ लिए तो बढ़िया चीज है, कंसेप्ट हमको आता है, लेकिन रटना भी उतना ही जरूरी है अच्छे रैंक के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमको डिराइव करने के लिए समय नहीं मिलेगा। और सारा कुछ तो लगभग लिंक्ड है, अगर लिंक करके पढ़ोगे कि हाँ इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इससे इतना कुछ हमारा हो जाए तो ज्यादा आसानी से होगा। जैसे अभी ग्रेविटेशन में जितने फॉर्मूले हैं वो इलेक्ट्रोस्टेट में सेम टू सेम मिलेंगे, मैग्नेटिज्म में उसी टाइप के मिलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होता रहेगा। ठीक है, तो इन तीन चार चैप्टर्स का मिला के तुम एक जगह पे रिलेट करके पढ़ सकते हो। इससे पहले रोटेशन से पहले तक सारा मैकेनिक्स था, सब कुछ लगभग सेम टाइप का था, उन सबको एक साथ रिलेट करके देखो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि ये अर्थ है हमारा, ठीक है, इसका मास और रेडियस तो यही यूज करना है। इसमें एक ग्रूव बना हुआ है, कैसा, अगर हम काट के रखे हैं अंदर, वहां ग्रूव है। अब यहां से हम किसी स्पीड वी नॉट से फेंक रहे हैं, तो वी नॉट क्या होगा कि इसका मैक्सिमम हाइट इज क्या ले लें,
आर ई फ्रॉम अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस को कितना हाइट तक जाएगा आर ई. अगर कोई है कि जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जो चैप्टर चल रहा है उसका अगर हम बनाते हैं तो उसके फॉर्मूला माइंड में आ जाता है, कुछ दिन छोड़ते हैं गायब हो जाता है. तो फिर से साप्ताहिक उस चैप्टर के दो चार क्वेश्चंस कर लिया करो. ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तो फिर से वो रिमाइंड हो जाएगा. इसीलिए कहा जाता है कि रिविजन टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है. हो गया. सो जीएम बाय थ्री आर, जीएम बाय थ्री आर ए, देखते हैं क्या आता है. और किसी का थ्री आर बाय टू. ठीक है, यही काम करना है हमको. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे इस समय, कौन बताएगा बताओ. ये G अंदर है. ME into small m by 2RE का क्यूब into 3RE square minus RE square by 4. यही लिखेंगे. ठीक है, माइनस साइन मत भूलना कभी भी, जो भी आंसर गलत करेगा और ऑप्शन में वो भी मिलेगा. ठीक है, हम आर ही लिख रहे हैं, आर ही नहीं लिख रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फाइनली, फाइनली मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है और वो आर ही है. तो यहाँ लिखेंगे माइनस जी एम ई एम बाय आर ई, जो है हाइट है सरफेस से और सेंटर से हमारा डिस्टेंस स्मॉल आर था, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2R प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो. बस इस चीज को सॉल्व कर लेना है. कितना आ रहा है सॉल्व, आंसर दूसरा जीएम बाय 4R, जीएम बाय रूट 7 जीएम बाय 4R. ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व करके देख लो एक बार. एमएम तो कैंसिल हो जा रहा है. ठीक है, 7/4 आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे. किसी हाइट से कभी फेंक देगा तो वैसे ही यूज कर लेना है. ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है ये पता है. जैसे कि अर्थ का बोलते हैं कि जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, और आर्टिफिशियल बहुत सारे हर साल कितने कितने जाते रहते हैं. इंडिया का शायद सबसे पहला आर्यभट्ट था सैटेलाइट जो छोड़ा गया था. यानी कि सैटेलाइट हम लोग अगर बात करें किसी भी प्लैनेट का, तो उसके अराउंड जो रिवॉल्व करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं कि सैटेलाइट. तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो होता है वो मून है. वो अर्थ के अराउंड किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है. ठीक है, तो ये हम नेचुरल सैटेलाइट की तो बात नहीं कर रहे हैं. मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सैटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है, हम इसके यहां से हम इसको फेंकना चाहते हैं. ठीक है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट इसका एम है मान लेते हैं, इसका मास एम ई आर ई यूज करना है, इसके हम अर्थ सरफेस से ही फेंक रहे हैं. ठीक है, ये हाइट भले ही ऊपर बनाए हैं, चलो हम सरफेस ही दिखा रहे हैं, ये सरफेस है, यहां से हम किसी स्पीड वी से फेंक रहे हैं.
ठीक है, तो ये हम फेंक रहे हैं यहाँ से या फिर किसी हाइट से जैसे भी फेंकते हैं, तो ये जाके अपना किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा, क्या करेगा, हो सकता है कि इधर टकरा जाए फिर ये सब मूव करे या फिर ऐसे बाहर चला जाए, डिपेंड होता है कि कितना हम स्पीड दे रखे हैं। तो ये चीज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम सारे स्पीड्स के बारे में जान चुके रहेंगे। तो इसमें कुछ पार्टिकुलर स्पीड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से फेंकते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस अर्थ सरफेस से फेंकते हैं तो एक समय ऐसा भी होगा कि ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल है, उससे बाहर चला जाए। यानी कि बाहर जब चला जाता है, यानी कि हम बोलेंगे कि ये जो है एस्केप कर गया, ठीक है, जब एस्केप कर गया तो वो किसी मिनिमम स्पीड से रिक्वायर्ड होगा कि हम किसी मिनिमम स्पीड से फेंके, वो एस्केप कर गया, एस्केप कर गया यानी कि हम बोलेंगे कि ये अर्थ ग्रेविटेशन पुल से बाहर चला गया। एग्जिट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इट रीचेस टू इंफिनिटी। हम लोग इसको क्या समझेंगे कि वो इनफाइनाइट को चला गया, इनफाइनाइट को चला गया यानी कि इसका जो इनर्जी होगा वहां पे, मे बी कभी कभी बोलेगा कि वहां इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पे चल गया, यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, यानी कि उसका अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, बिकम्स जीरो या फिर बोलते हैं कि पॉजिटिव हो गया होगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि इसके बाइंडिंग में अब नहीं है, इसके पक्ष में नहीं है, पॉजिटिव है, यानी कि अब उस पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, वो बाहर ही जाएगा, अंदर की तरफ नहीं है। मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, जीरो, जब तक कि कुछ ना कहा गया। पॉजिटिव कब, जब कहा जाएगा कि उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यानी को इन्फिनिटी पे पहुंच गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, उसका पुल खत्म हो गया, लेकिन अभी भी मूव कर रहा है, वो आगे कहीं भी जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो ऐसा स्पीड, जिस स्पीड से अगर हम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं अर्थ सरफेस से, इसमें भी क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, कभी गड्ढा से फेंकेगा, कभी हाइट से फेंकेगा, लेकिन हम अर्थ सरफेस के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो अर्थ सरफेस से अगर हम ऐसा पार्टिकल को फेंक कर रहे हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाए, तो ऐसा वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे कि एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा स्पीड, जिस स्पीड से हम इसको फेंक रहे हैं और ऐसा फेंक रहे हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि अब अर्थ उसको खींच नहीं सकता है, हम ऐसा जनरली देखते हैं किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं अर्थ पे जाके गिरता है, ठीक है। तो ऐसा जब हम फेंक रहे हैं कि ये फिर से अर्थ पे वापस नहीं आ सकता, यानी कि अर्थ इस पे फोर्स नहीं लगा सकता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, उस चीज को बोलते हैं कि ये एस्केप स्पीड है, यानी कि पृथ्वी से बाहर चला गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। अब एक स्पीड ऐसा है कि हम इसको ऐसा फेंक रहे हैं और ये किसी ऑर्बिट में आके घूमने लग रहा है, ठीक है, पार्टिकल जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूमने लग रहा है, किसी भी ऑर्बिट में, यानी कि इस ऑर्बिट में अगर पार्टिकल मूव करता है, यानी कि पार्टिकल मूव्स इन एनी ऑर्बिट आफ्टर प्रोजेक्शन, ठीक है, अगर हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन के बाद अगर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सच वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो जिस स्पीड से मूव कर रहा हो, या फिर हम ऐसे फेंकते हैं कि उस ऑर्बिट में जाकर घूमने लगे, तो उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं कि ये ऑर्बिटल स्पीड है, इसको वीओ से लिखते हैं, एस्केप वेलोसिटी को वी से लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमको वेलोसिटी इसमें पढ़ने पड़ते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को हम कहीं से फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है।
अगर वो किसी ऑर्बिट में मूव करता है, इस ऑर्बिट में मान लेते हैं मूव कर रहा है तो किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो इस ऑर्बिट का ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगा। जैसा कि केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि एक न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में उस ऑर्बिट की वेलोसिटी भी बताई जाती है कि वो इतने स्पीड से घूम रहा होगा, ठीक है। तो स्पीड क्या कहते हैं हम लोग कि नेट, हम लोग एक फोर्स उस पे सेंटर की तरफ लगाते हैं, बोलते हैं वो सेंट्रिपिटल फोर्स mv²r के बराबर होगा, उससे कैलकुलेट करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी अगर कोई पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के राउंड 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 घूम रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ ऑर्बिटल स्पीड होगा, और उस ऑर्बिटल स्पीड को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि जिस भी स्पीड से वो उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमको दो दो वेलोसिटीज मिल रहे हैं, एक एस्केप वेलोसिटी और एक ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो दोनों कितने आएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को हम लोग वी से लिखते हैं। ये कितना आएगा, तो हम अर्थ सरफेस से फेंक रहे हैं, ये हमारा स्मॉल मास m है, मास ऑफ अर्थ m ही आ रही है। यहां से हम मान लेते हैं इसको किसी स्पीड v से हम फेंक दिए, v से फेंक रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि ये कहाँ चला जा रहा है, इन्फाइनाइट पे। एस्केप वेलोसिटी है नहीं कि कहाँ चला जा रहा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे हम इसकी मान रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे जीरो है, मिनिमम स्पीड से फेंक रहे हैं, यानी कि वहां पे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं बच रहा है, टोटल एनर्जी यहाँ जीरो, जीरो या पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हम बी से ज्यादा फेंक रहे हैं। खैर हम जीरो ले रहे हैं क्योंकि हमको ये मिनिमम स्पीड चाहिए, जिस स्पीड से हम इसको फेंक दें तो ये फिर पृथ्वी पे ना आए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वही फिर से ए इनिशियल इज इक्वल टू ए फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे ई लिखे हैं, अर्थ का नहीं समझना। फाइनली फाइनली टोटल एनर्जी इसके बाद जीरो है, तो वी यहाँ से ध्यान से देखो तो हमको मिल रहा है टू जी एम ई बाई आर, ठीक है। अगर किसी प्लैनेट के लिए बोलते हैं, फॉर एनी प्लैनेट, ठीक है, अगर किसी प्लैनेट के लिए बोलते हैं तो इसको हम भी लिख सकते थे अंडर रूट टू जी, तो जी है मास ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये जो फॉर्मूला है वो कहां से है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी गड्ढा खोन के बोलेगा इस गड्ढे में से फेंक रहे हैं, तब बताओ कितना भी एस्केप होगा, तो वहीं पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर देना है। कभी कभी बोलेगा कि हम आर हाइट से फेंक रहे हैं तब कितना होगा, तो वहां पे भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, उसके लिए डायरेक्टली इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल यूज करना है, ठीक है। ये भी एस्केप कहां से है, तो अर्थ सरफेस से, या फिर प्लैनेट के सरफेस से बोले तो इतना है। यहाँ पे फॉर अर्थ, अर्थ के लिए जो भी का वैल्यू, यानी कि इसकी मास और रेडियस पुट करके अगर हम फाइंड करते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो आता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि मिनिमम हम इतनी स्पीड से किसी भी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से फेंकेंगे तो वापस अर्थ पे नहीं आएगा, वो क्या होगा, बाहर स्पेस में ही खो जाएगा, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से वो निकल जाएगा। हो सकता है किसी दूसरा मैसिव बॉडी जो होगा स्पेस में उसके अट्रैक्शन में चला जाए, उसके अबाउट वो घूमना शुरू कर दे। हो सकता है कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे कोई और प्लैनेट है, हम यहाँ से फेंक के तो यहाँ से जाके स्पेस पे ऐसा घूम रहा हो, जो भी कर रहा होगा, लेकिन अर्थ पे नहीं आएगा। तो अगर हम लोग इस स्पीड से फेंकते हैं तब, इससे कम स्पीड में फेंकेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहे हैं,
ऑर्बिट में तो हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, ऑर्बिटल स्पीड यानी कि हमारा अर्थ हो गया लेट से, ठीक है, और इससे किसी सेंटर से आर दूरी पे ये कोई ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट या पार्टिकल जो है रोटेट कर रहा है, इसका मास हम बोल रहे हैं कि एम है, यहाँ किसी स्पीड वी नॉट से ये इसने रोटेट कर रहा है, हमको ये वी नॉट फाइंड करना है। तो कैसे पता करेंगे इस वी नॉट को, बोलो। एनर्जी तो यहाँ पे तो हम कह नहीं रहे हैं कि इसको किसी चीज से फेंक रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये इस ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट हो गया जो कि आर रेडियस का ऑर्बिट है, और ये इसमें भी नॉट स्पीड से रोटेट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, भी नॉट से जा रहा है तो इस पे इधर की तरफ क्या होगा, एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ प्लैनेट जो भी है अर्थ तो एम बाय आर स्मॉल आर, ये लिखेंगे, और ये किसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स यानी किधर की तरफ हम लिख दे रहे हैं एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर, ठीक है, यानी कि ये जो होगा ये किसके बराबर, कभी भी सर्कुलर मोशन है तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, यहां से ये आर आर गया, एम एम गया, यहाँ से वी नॉट अगर देखो अंडर रूट जी एम ई बाई आर आ रहा है, कभी कभी इस आर को कैपिटल आर प्लस एच भी दिया जाता है, ठीक है, यानी कि इफ आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, यानी कि एच है ये हाइट फ्रॉम सरफेस है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूले में भी कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं आर, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, सेंटर है, और इसमें जो एच यूज किए ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ठीक है, अगर हम सरफेस से यूज किए, अगर इफ ऑब्जेक्ट या प्लैनेट जो भी है इज ऑर्बिट नियर अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नियर में अगर ये ऑर्बिट कर रहा होगा यानी घूम रहा होगा, यानी कि इस केस में हम बोल रहे हैं कि आज एच जो है बहुत ही छोटा है आर से, ठीक है, ऐसे केस में हम बोल रहे हैं कि एच जो है यानी कि हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ जो है ऐसा है, तो इस केस में जो हमारा वी नॉट मिलेगा ध्यान से देखो तो अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई मिलेगा, ठीक है, ये कब है, नियर अर्थ सरफेस, यहां से हमको क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी एस्केप जो है अंडर रूट टू वी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वी ऑर्बिटल ध्यान रहे कि हम कहाँ का बात कर रहे हैं, तो नियर अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर नियर अर्थ सरफेस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इतना आ रहा है। दोनों वेलोसिटीज में अगर तुम थोड़ा बहुत ध्यान दो तो एक चीज तो हमको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो है जिस किस पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं उसकी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है या फिर जिस पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं उस पे ये नहीं डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब दोनों स्पीड की बात कर रहे हैं वीयू एंड वी, ठीक है, दोनों ऑर्बिटल स्पीड हो या फिर एस्केप स्पीड हो, दोनों स्पीड कोई भी जिस पार्टिकल को फेंक रहे हैं उसकी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, हम किस प्लैनेट से फेंक रहे हैं उसकी मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, कितनी मास फेंक रहे हैं हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम 1 kg फेंक रहे हैं या 1000 kg फेंक रहे हैं, ठीक है सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, और नहीं नहीं ये वाला बस फॉर्मूला देखना था बॉक्स वाला, हो गया, यस सर,
ठीक है, ये बताओ क्या होगा। ये अर्थ है, यहां से हम इसको 37 डिग्री पे फेंक रहे हैं, तो वी कितना होगा? चलो वैल्यू छोड़ो, 11.2 से ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? सोच के बताओ, गेस करके। सर छोटा होगा शायद। क्यों? कुछ सोचे होगे तो बोलो, कुछ तो सोच के। और कोई? हाँ सर, बोलो। उसमें 90 डिग्री पे फेंक रहे थे, मतलब ये प्लेन पे फेंक रहे थे। और कोई? वहां पे देखो कि हम कितने एंगल पे फेंके, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। हम इनर्जी लिखे थे, इनिशियल इनर्जी और काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कितने एंगल पे फेंकते हैं उससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है? तो इसमें हम किसी भी एंगल पे फेंके ये सेम ही आना है, यहाँ भी यही चीज आएगा। यानी कि एस्केप स्पीड जो है वी डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम किस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि डेरिवेशन में देख लो कहीं भी एंगल का कोई चर्चा आया। काइनेटिक एनर्जी में हम वेलोसिटी यूज करे थे, काइनेटिक एनर्जी से उससे कोई लेना देना नहीं होता है कि हम किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। उसको सिर्फ किससे मतलब है कि उसका इनिशियल स्पीड कितना है, उसका मास कितना है। तो उतना हम लोग देखे, हम किसी भी एंगल में फेंक लें, ठीक है? इधर फेंके, ऊपर फेंके, ऐसे फेंके, कहीं भी फेंके, ठीक है? इधर फेंके, जहां भी फेंके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो इससे पहले जो हम लोग केस देखे थे कि ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस ऑर्बिट कर रहा है, तो फिर उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी उसको √2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा। इस स्पीड का इतना स्पीड बढ़ा देंगे तो हाँ। तो ऐसा नहीं हो कि वो ऑर्बिट ही करेगा लेकिन उसका रेडियस चेंज हो जाएगा? नहीं, तुम उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी बढ़ाना, ठीक है? हम उसका उतना एनर्जी बढ़ा दे रहे हैं। बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स ये तो F=mv² तो नजदीक तो आएगा नहीं, दूरी भागेगा। यस सर। ठीक है, दूर भागेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? घट रहा है। यस सर। ठीक है, वो घटते घटते वो कहाँ चलेगा? आर इन्फिनिटी आएगा तब आएगा। तुम सॉल्व करके देख लो, अभी एक दे ही रहे उसी पे क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, यहां से सरफेस से, ठीक है, यहां से आरी दूरी पे यानी कि रेडियस इसी के दूरी पे जो मान लेते हैं कोई भी सैटेलाइट या पार्टिकल है, ये घूम रहा है अपना ऑर्बिटल स्पीड वीओ से, ठीक है? बोल रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी सच दैट इट एस्केप्स
यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है, एक ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर उस ऑर्बिट में वो घूम रहा है और हम उसको कितना स्पीड दें, ठीक है, वो एस्केप कर जाए, हाँ बोलो। सो टू रूट टू माइनस वन इंटू 100%। टू रूट टू माइनस वन, 42.4%। हाँ ठीक है। यहाँ भी अगर ध्यान से देखो तो एस्केप स्पीड यहाँ पे कितना आ रहा है बता सकते हो? हम इस आर को फिलहाल एच लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, एच। एच की टर्म में बोलो भी एस्केप कितना आ रहा है? नहीं निकाले। फॉर एस्केप अगर हम बात कर रहे हैं तो लिख अंडर रूट सकते हैं जी एम कितना, अपॉन आर, जी एम एम बाई आर प्लस एच, ये लिखेंगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनली जीरो। तो वी इक्वल टू आ जा रहा है अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ का ऑर्बिटल स्पीड अगर लिखोगे तो ध्यान से देखो ये यही आएगा अंडर रूट टू आ जाएगा यहाँ पे जी एम बाई आर प्लस एच, यही आएगा। Yes, यहां भी अगर ध्यान से देखो तो ये जो है अंडर रूट टू भी ऑर्बिटल के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ भी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस ऑर्बिटल स्पीड में जितना है उसका रूट टू टाइम्स ही ये इसके वेलोसिटी है अगर यहां से हम फेंक रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां से हमको परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए उसका फाइनल इतना होना चाहिए, तो रूट टू वी नॉट माइनस वी नॉट बाई वी नॉट इंटू 100 कर देंगे। इनिशियल कितना है? वी नॉट है, फाइनली कितना चाहिए? रूट टू वी नॉट। तो ये हमको कितना मिल रहा है? रूट टू माइनस वन यानी कि 0.414 इंटू 100%, ठीक है। तो ये फाइंड सिर्फ इसलिए किए क्योंकि हम वहां पे अर्थ सरफेस के पास ही लिखे हैं, लेकिन किसी भी ऑर्बिट में अगर घूम रहा होगा तो उसका रूट टू टाइम्स चाहिए होता है एस्केप करने के लिए। सर एक और क्वेश्चन था हाँ सर, अगर जैसे रूट टू जी एम अपॉन आर स्पीड से अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्ट एस्केप कर जा रहा है, और अगर हम लोग रूट जी एम अपॉन आर से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो ऑर्बिट करेगा नियर अर्थ सरफेस। तो सर उन दोनों वेलोसिटी के बीच में कोई वेलोसिटी अगर हम लोग उससे फेंकेंगे तो फिर तब क्या होगा? हाँ उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उससे ज्यादा भी स्केप से ज्यादा फेंकेंगे तब क्या होगा, कम फेंकेंगे क्या होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी भी पार्टिकल को किसी ऑर्बिट में घुमाना है तो कैसे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, और एस्केप स्पीड से घुमाना है तो कैसे कर रहे हैं। अब थोड़ा एनर्जी की बात कर लें, और एनर्जी के बाद यहीं पे कर लेते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहां से हम किसी एच हाइट से इस पॉइंट से हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ठीक है।
तो पार्टिकल को फेंकेंगे तो क्या होगा? चार पांच केसेस होता है तो हम सारे का फिगर बना रहे ठीक है। यहाँ पे कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ठीक है, 6 पार्ट डिस्क्राइब्ड है। यानी अगर हम एच हाइट से किसी भी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, कितना स्पीड से? वी स्पीड से, उस वी की वैल्यू कितनी है उस पे ये 6 पाथ डिस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो अगर हम छठा पाथ से आते हैं कि वी एस्केप, यानी कि वी अगर ग्रेटर देन वी एस्केप हो गया तो ये जो होगा हम बोलते हैं हाइपरबोलिक एस्केप। ठीक है, यानी कि ये जो पाथ होगा ये हाइपरबोला होगा, ये जो पाथ है ये पैराबोला है। ठीक है, ये दोनों इलिप्स दिख रहा है और ये जो रेड है ये हम सर्कल बोल रहे हैं, ये सर्कुलर है, और ये दोनों जो है इलिप्स है। ये है ऐसा, अगर v जो है इक्वल टू v एस्केप है तो पैराबोलिक एस्केप, अगर v लेस देन v एस्केप है, ठीक है, लेकिन ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड है, हम एच हाइट से फेंक रहे हैं, अगर इस एच रेडियस में अगर घूम रहा है ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा और एस्केप से कम है तो हमको दिख रहा है कि इलिप्स में इलिप्स फॉर्म करेगा। कहां पे? ये ध्यान दो कि ये इलिप्स फॉर्म कर रहा है लेकिन जो अर्थ है, अर्थ जो है इसके नियर, यानी कि दो फोकस होते हैं, यहां से हम फेंके हैं तो जिस पॉइंट से फेंके हैं तो ऐसा रोटेट करेगा कि अर्थ जो रहेगा वो जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नियरेस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन से अर्थ जो होगा इस फोकस पे रहेगा। इलिप्स के बारे में सबको पता है, नहीं पता होगा तो हम बाद में बताएंगे। दो फोकस होते हैं तो अर्थ जो होगा वो नियरेस्ट फोकस पे होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्थ वाला लाइन। ठीक है, अगर v जो है इक्वल टू v ऑर्बिटल है तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा, अगर v लेस देन v नॉट है, ठीक है, लेस देन v नॉट है लेकिन उतना भी नहीं है कि ये अर्थ से जाके टकरा जाए, ठीक है, सफिशियंट है तो ये जो है एलिप्स बनाएगा विथ अर्थ एट फार्दर फोकस। ठीक है, जो दूर वाला फोकस है उस पे रहेगा, और अगर वी बहुत छोटा है मान लेते हैं किससे, तो फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे वो गिर जाए, ऐसा कुछ होगा। यानी कि अगर हम किसी हाइट एच से अगर हम फेंकते हैं तो ऐसा सिचुएशन हमको मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम एच सफिशियंट हाइट ली है और सफिशियंट स्पीड से फेंकते हैं तो वन वाला केस तो बहुत कम हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में अगर हम प्रोजेक्टाइल बनाएंगे भी तो अर्थ को हम फ्लैट मान नहीं सकते हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो जाते हैं तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा हमको दिख रहा है कि ऐसा शेप ये लोग ट्रेवल करेंगे अगर हम किस स्पीड से फेंकते हैं उस पर डिपेंडिंग हो। क्लियर है? थोड़ी नीचे किसी ना, ठीक है, सेकंड लास्ट वाला केस समझाइए।
सेकेंड लास्ट यानी कि हम ऑर्बिटल स्पीड से कम फेंक रहे हैं और उतना भी कम नहीं किए हैं, जस्ट थोड़ा सा कम किए हैं। तो इस वाले तो केस में सफिशिएंट स्पीड है सर, उसका वैल्यू कितना होगा? सफिशिएंट स्पीड है हम लोग बात कर रहे हैं इस केस में, मान लेते हैं कि ये आर है, ठीक है, ये भी आर है, तो यहाँ का सफिशिएंट स्पीड अंडर रूट जी एम बाई टू आर होगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा छोटा फेंक रहे ना, हाँ सर, वो जिससे हल्का सा भी छोटा रहेगा तो फिर वो अर्थ सरफेस पे फॉल कर जाएगा। हल्का सा छोटा, जैसे कि ये लगेगा कि फॉल ही कर रहा है लेकिन करते करते यहाँ से ऐसा फिर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आएगा यानी कि इतना मिनिमम इनर्जी रहे, किसके पास इतना वेलोसिटी यहाँ पे पहुंचे तो रहे, कि इस पे ना गिर के ऐसा इधर आ जाए तो अपना कंप्लीट कर ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि हर समय इस पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसा कुछ स्पीड दे रखे, जैसे क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, अब कहे हो तो यहाँ पे जैसे जो बता रहे थे, हम बोल रहे थे कि यहाँ से अगर हम किसी हाइट से अगर इसको फेंकते हैं और इसका जो ऑर्बिटल स्पीड से उससे कम फेंक रहे हैं ऐसा, तो ऐसा अगर पास करेगा और आ जाएगा, इलिप्स फॉर्म कर रहा है, तो इलिप्स के दो दो जो होते हैं हमारे फोकस होते हैं, तो ये ऐसा इलिप्स फॉर्म कर रहा है यानी कि ये जो अर्थ है इसके फार्देस्ट वाला फोकस पे है, क्लियर है। अब जैसे कि हम एक रफ ही डेटा ले रहे हैं समझने के लिए, हमको भी नहीं पता है कि इसका सोल्यूशन कैसा खतरनाक आएगा क्या आएगा। यहाँ से हम मान लेते हैं कि v ऑर्बिटल जो आएगा कितना आएगा, अंडर रूट टू जी एम बाई टू आर, ये आएगा, yes, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ जो v हम फेंके हैं वो अंडर रूट आधा ले लेते हैं जी एम बाई आर, क्या आता है देखते हैं, या फिर v का वैल्यू क्या होगा कि वो यहाँ से ऐसा करते हुए यहाँ से पास कर जाए, ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी हो तो उसमें भी तो कुछ चाहिए होगा हमको। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब जाएगा तो अर्थ सरफेस के पास है, तो यहाँ का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा, जी एम बाई आर होगा, होगा, ठीक। अगर यहाँ से इसको ऑर्बिट में पास कर जाना है तो हम यहाँ किस स्पीड से फेंके कि ऐसा पॉसिबल है, तो इनिशियल इनर्जी इक्वल टू फाइनल इनर्जी होगा, तो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस आर टू आर प्लस वन बाई टू एम बी स्क्वायर इक्वल टू बाई आर प्लस, ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू एम जी एम बाई आर, कितना आ जा रहा है, ठीक लिखे हैं, टू एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर प्लस वन बाई टू, ठीक है। कैंसिल, कितना आ रहा है अभी, जीरो आ रहा है, सो अंडर रूट थ्री बाई टू जी एम बाई आर इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो भी जीरो ना आ रहा है, यस सर, यहाँ पे कुछ और स्पीड होगा, हम गलत मान रहे हैं तो, ठीक है, मिनिमम कुछ स्पीड होगा ताकि ये यहाँ से पास कर जाए, यानी कि यहाँ पे भी ऑर्बिटल लेंगे तो सर्कुलर ही हो जाएगा, तो यहाँ से सर फिर से इस स्पीड में आ जाए, कुछ स्पीड होगा, लगता है इसमें कुछ मैथ्स लगेगा, हाँ मैथ्स लगेगा, सिंपल आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इलिप्स का ये शेप फॉर्म कर रहा है ना, तो इलिप्स का क्वेश्चन लगाना होगा, लगाना पड़ेगा,
ठीक है, इसेंट्रिसिटी ये सबका जरूरत पड़ जाएगा हमको लग रहा है। सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में? क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। सर तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये वाला कॉन्सेप्ट का? कितने स्पीड से फेंके हैं बताओ, कैसा पाथ होगा? एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड वाले में जैसे हम लोग ऊपर कर रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि कभी बोलेगा हम गड्ढे में जाके फेंक रहे हैं तो एस्केप स्पीड क्या होगा, कभी बोलेगा कि हम चांद पे पहुंच गए और यहां से हम फेंक रहे हैं तो एस्केप स्पीड क्या होगा, ऐसे ऐसे सवाल होंगे। आसान आसान रहता है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है, और ये जो हमको एनर्जी कंजर्वेशन कराना है वो सबसे बेस्ट है, कहीं से भी फेंका है करा के आराम से निकल जाता है। ठीक है, और एनर्जी लिखने के लिए पोटेंशियल वाले जो फॉर्मूले हैं वो रट्टे होने चाहिए। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोई भी पार्टिकल या आगे चल के यही प्लैनेट हो जाएगा किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना होगा? मान लेते हैं कि हम प्लैनेट है या अर्थ ही है, इससे यहाँ पे आर रेडियस में कोई भी पार्टिकल या प्लैनेट जो भी है ये यहाँ पे ऐसा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, इस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसके पास जो स्पीड होगा वो ऑर्बिटल स्पीड वी नॉट होगा, जो कि हम लिख सकते हैं अंडर रूट जी एम बाई आर होगा। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ प्लैनेट और सेंटर से कितना दूरी पे, ऑर्बिटल स्पीड इसकी लिख लिए। अब इसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जिसे हम लिखें तो हमको दिख रहा है कितना जी एम ई एम, भी का वैल्यू हम रख दिए हैं 2R। ठीक है, ये हमको मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे R दूरी पे है तो लिखेंगे माइनस जी एम ई एम बाई आर, बाहर है तो इसके लिए लिखेंगे। और टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करो तो ध्यान से देखो तो ये हमको कितना मिल रहा है, माइनस जी एम ई एम बाई टू आर, ध्यान से देखो तो ये मिल रहा है। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है, और वो इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई टू। ठीक है, और डिस्टेंस के साथ साथ अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कर्व ड्रॉ करते हैं इसके लिए, इधर हम बोल रहे हैं वेरियस एनर्जीज है और ये हमारा डिस्टेंस आर हो गया, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टोटल एनर्जी निगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये हमारा ऐसा कुछ जाएगा, ये हम बोल रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी का है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी भी इसी का मिरर इमेज होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ठीक है, यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो ये जो दोनों दूरी है ये दोनों सेम होंगे, ये वाला जो होगा इसके बराबर होगा क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जो है हमारा टोटल एनर्जी का कर्व है, निगेटिव है लेकिन अगर हम किसी पॉइंट पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे 10 है तो ये भी माइनस 10 होगा। ठीक है, अगर ये हम बोल रहे हैं कि कोई भी आर दूरी है तो जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगा, डबल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे डबल होगा यानी कि उसका वैल्यू जो होगा ऐसा कुछ ऊपर से। ठीक है, ये किसका कर्व हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा कुछ भी ई नॉट है
तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, माइनस ई नॉट, और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस टू ई नॉट। ठीक है, ई नॉट इज एनी वैल्यू, ई नॉट क्या है, हम बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंट एनर्जी कोई बोल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी है एट एनी डिस्टेंस। ठीक है, किसी डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक वैल्यू ले लिए हैं, लेट्स से कि यहाँ पे एक्स दूरी पे ई नॉट काइनेटिक एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी माइनस ई नॉट होगा और उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस टू ई नॉट होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है उसको बाइंड करके रखा हुआ है। ये हम कह सकते हैं कि इतना एनर्जी से वो रिवॉल्व कर रहा है, और अगर हम इतना ही एनर्जी उसको और दे दें बाहर से तो वहां से बाहर भाग भी जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको उसको वहां से इंफिनिटी पे फेंकना हो तो हमको इतना एनर्जी उस पर और देना पड़ेगा, क्योंकि तो इतने एनर्जी से वो बंधा हुआ है अर्थ से। तो ये टोटल एनर्जी जो है इसको कभी कभी जनरली न्यूक्लियस में इस सब में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहते हैं, बोलते हैं टोटल एनर्जी है। लेकिन कंसेप्ट वही है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वहां पे बंधा होता था बोलते थे टोटल एनर्जी इतना है इस ऑर्बिट में, इतना एनर्जी से वो रोटेट कर रहा है, इतना एनर्जी देंगे इन्फिनिटी पे चला जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पे अर्थ के अराउंड में अगर हमारा प्लैनेट या फिर कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो टोटल एनर्जी है उतने एनर्जी से वो बंधा हुआ है। अगर हम उस पे उतना एनर्जी और दे दें तो इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि उसका उतना एनर्जी है जिस एनर्जी से वो रिवॉल्व करता है। फॉर्मूला सिंपल सा है, तीन फॉर्मूले हैं काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी तो तब से लिखते आ रहे हैं, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का के सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव हो जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का आधा। ठीक है, तो ये एनर्जी है किसी भी प्लैनेट हो, सैटेलाइट हो, मतलब बोलेगा कि सैटेलाइट है कोई अर्थ के राउंड में रोटेट कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग ये एनर्जी लिखेंगे। कोई पार्टिकल बोल दे तो ये एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है तो बोलो, पूछो। हेलो। नो सर। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि R बढ़ाएंगे तो क्या क्या बढ़ेगा घटेगा, यानी कि वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में हम कंपेयर करें, आर अगर हम बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑर्बिटल स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोच के बताओ। सो v घटेगा, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां से कर्व से आसानी से दिख जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ये, ठीक है, और बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है यानी घटेगा, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस साइन, यानी कि जैसे जैसे हम आर की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, टोटल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, If R increases, then total energy increase, हम क्या लिखेंगे, decreases. लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि आगे minus लगा हुआ है, इसलिए magnitude घटेगा, लेकिन
ओवरऑल जो एनर्जी की बात की जा रही है वो बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि निगेटिव में ही है, लेकिन पहले ज्यादा निगेटिव था, अब कम निगेटिव है, यानी कि उसकी एनर्जी जो है बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ऑफ रोटेशन, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको हम वी ऑर्बिटल से फेंके हैं और ये इसके राउंड में मूव कर रहा है, नियर अर्थ सरफेस का हम केस लिए हैं। नियर अर्थ सरफेस है यानी कि वी नॉट जो होगा ये होगा हमारा अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। इस केस में अगर हम बात करें कि कितने देर में ये रोटेट कर जाएगा, तो टाइम टू रिवॉल्व क्या होगा बता सकते हो? यस सर। क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यस सर। तो क्या हो जाएगा, टू पाई बाय अंडर रूट, वी नॉट की जगह अगर रख रहे हैं ये तो आर आर है, आर बाय जी एम, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो t इज इक्वल टू टू पाई बाई जी एम और यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, r रेस टू पावर 3/2। ये जो चीज है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि मास ऑफ प्लैनेट ये सब चेंज करेंगे नहीं, r चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ठीक है। यानी कि अगर हम ऑर्बिटल रेडियस बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो यहां से हमको ये दिख रहा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब है। ठीक है, तो कभी भी टाइम पीरियड इसमें रिलेशन दे तो आराम से तुम लोग ये चीज फाइंड करके ऑर्बिटल स्पीड ये सब यूज करके कर लेना, टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही आसान मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इफ वी रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बाई हाफ, then new time period will be, ठीक है, अगर हम हाफ से रिड्यूस कर देते हैं तो नया टाइम पीरियड क्या होगा? So, टू रूट टू टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। ऊपर वाले से हम रिलेशन से निकाल सकते हैं, इफ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, यानी कि टी वन बाई टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू का स्क्वायर, ठीक है। आर टू बोल रहे आर वन बाई टू हो जाएगा, अच्छा क्यूब है यहाँ पे, यानी हम लिख सकते हैं आर वन बाई, ये आर वन बाई टू हो गया है इसका क्यूब, यानी कि टू ऊपर चला जा रहा है, टू क्यूब,
यानी दिस इंप्लाइज दैट कि टी टू इज इक्वल टू टी वन बाई एट रेस टू और वन बाई टू, ये मिल रहा है, यानी कि टी वन बाई टू रूट टू, यानी कि डिक्रीजेस बाई टू रूट टू टाइम्स। ठीक है, सवाल इसमें बहुत ही इजी इजी आते हैं, बसरते फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। बाकी तो और बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या होता है पता है? इसका पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है। जैसे बाकी सब, जैसे कि अगर हमारे पास अर्थ है, ठीक है अर्थ है, उसमें अगर हम भारत देश की बात कर रहे हैं, ठीक है ऐसा कुछ है, तो अगर हम इसमें सैटेलाइट छोड़े हैं तो मान लेते हैं कि कोई कोई सैटेलाइट होता है कि अर्थ को दिन भर में दो बार तीन बार राउंड लगा लेता है, यानी को पूरे दुनिया की खबर रखता है। ठीक है, जैसे पोखरण वाला जो अभी नया नया मूवी आया था उसमें क्या था कि अमेरिकन सैटेलाइट था जो दिल्ली से कुछ पार्टिकुलर टाइम पे होके पास कर, पोखरण से पार्टिकुलर टाइम पे पास होता था, तो जो न्यूक्लियर टेस्ट करना था तो उसी टाइम पे उन लोगों ने किया कि मतलब उसमें आया नहीं, ब्रॉडकास्ट ना हो पाए। तो सैटेलाइट अगर हम मान लेते हैं कि कुछ कुछ सैटेलाइट जो होते हैं वो दिन भर में दो बार तीन बार कोई एक बार ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है, और कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं कि जो कुछ पार्टिकुलर एरिया पे ही 24 घंटा फोकस लगाए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर अगर हमको देखना है कि हाँ भाई यहाँ पे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे जैसे कोई भी पार्टिकुलर अगर हम बोल रहे हैं कि सैटेलाइट है, तो अगर ऐसा सैटेलाइट है, मान लेते हैं कि यहाँ से हमको देखना है और ये हमारा सैटेलाइट है, यानी कि इसका ब्रॉडकास्टिंग जो होगा यहाँ पे सिग्नल हमेशा यहाँ से इसको मिलना चाहिए और वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ 24 घंटा रहना है, यानी कि अगर ये अर्थ है, ये अपने ऑर्बिट के राउंड ओमेगा से घूम रहा है, तो इसको भी अगर ऐसा हम बोले कि ऐसा ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो इसको भी साथ साथ ओमेगा से ही घूमना पड़ेगा, तभी वो हमेशा अर्थ के यानी कि जो भी पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो फोकस करना चाह रहा है उस पॉइंट पे 24 घंटा लगातार मूव करता रहेगा। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि इस आदमी यानी कि यहाँ पे अगर बैठ के कोई आदमी होगा वो अगर देख रहा होगा तो उसको 24 घंटे जो है इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे ही दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो, जैसा कि सन का है पोजीशन चेंज होता है तो क्यों होता है वो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि सैटेलाइट है, हम सुबह 10 बजे देखे वहीं पे है, रात के 10 बजे देख रहे हैं वहीं पे है, इसका मतलब कि मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट में है तो इसलिए इसमें स्टेशनरी लगा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे जिस भी पार्टिकुलर एरिया में ये ब्रॉडकास्ट करता है उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में। ठीक है, यानी कि एट रेस्ट With respect to, हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, लेकिन ये बाहर से अगर देखे तो जिस वेलोसिटी से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है उसी एंगुलर स्पीड से ये भी रोटेट कर रहा होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो ओमेगा ऑफ सैटेलाइट है This should be equal to omega of Earth. ठीक है, अगर omega of Earth की बात करें तो हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है 2π/ω होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का भी टाइम पीरियड जो होगा वो 24 आवर्स ही होगा। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट,
जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो जितना टाइम पीरियड अर्थ का है उतना ही उसका होना चाहिए, क्योंकि लगातार वो एक टक्की लगा के देखे जा रहा है, अर्थ के साथ साथ वो भी मूव कर रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो हमको रेस्ट पे दिख रहा होगा, यानी ऐसा कह सकते हैं कि हम एक डंडे से बांध के उसको वहां पे खड़ा करके रखे हो गए। ठीक है, तो इसका अगर हम बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड 24 आवर्स है तो जितना ओमेगा अर्थ का होगा उतना ही इसका होगा। अगर हम टाइम पीरियड और ओमेगा की वैल्यू अगर हम फाइंड करके रख के लिखते हैं तो ये जो आर आता है यानी कि हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस जो आता है वो लगभग आर बाई टू आता है। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो आता है अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर के आसपास आता है, तो इसको हम लोग 3600 किलोमीटर लिख लेते हैं के आसपास आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3600 किलोमीटर। तो ये है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि अगर हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो ये सर्कल में घूम रहा है किसी भी एक पार्टिकुलर जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, और हम लोग कैलकुलेशंस के लिए ऐसे यूज करते हैं जो आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर इसको लिखते हैं 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि हाइट जो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.6 आर ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करते हैं 6.6 आर ही। आर ही जो है रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, और 5.6 अगर हम सरफेस से बात करें तो वहां से आएगा। तो ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रेस्ट में होता है और वो लगभग इतने हाइट पे होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है। इसका टाइम पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है कि 24 आवर्स होता है। ओमेगा हमसे पूछा नहीं जाता है, बाकी जितना अर्थ का है उतना ही इसका होगा। इसके बाद हम लोग का छोटा सा टॉपिक रह जा रहा है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ पढ़ने से पहले हम एलिप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। ठीक है, 36,000 किलोमीटर होगा ना? अच्छा 36,000, हाँ ठीक है, लगभग में इतना होता है। एक जीरो छूट रहा था, 6.6, हाँ 6.10। ठीक है, एलिप्स के बारे में सब कोई जानते हो, डिफिनीशन क्या है कोई बताएगा? लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड टू अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज लेस देन वन। ऐसा है कुछ? यस सर, पता नहीं, हमको भी याद नहीं है ऐसा। हम जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, एक और अल्टरनेट डेफिनेशन है, whose distance from sum of distance from both the foci is constant and is equal to the length of major axis। ठीक है, अब जो भी है वो मैथ्स में तुम लोग पढ़ लेना। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे दो रस्सी से अगर टाइट रखे हैं, इसको अगर पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं तो ऐसा शेप बनता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम जो होगा, दोनों लेंथ का, वो फिक्स ही रहेगा। लेंथ है तो बोलते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज इज द सम जो होगा इक्वल रहेगा, तो उस चीज को बोलते हैं कि ये इलिप्स, ऐसा शेप होता है। हमको इतना मतलब है, इसमें दो फोकस होते हैं। जो सर्कल है वो भी इसी का एक पार्ट कह सकते हैं, जिसमें दोनों फोकस जो होते हैं वो कंसाइड कर जाते हैं। ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। मैथ्स में हो गया है क्या तुम लोग का?
सर हम लोग का नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम ए से लिखते हैं, इसको बोलते हैं सेमी मेजर, एक्सिस नाम दे दिया जाता है। इसका डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का है, उसको हम लोग बी से लिखते हैं। ठीक है, फिर एक टर्म डिफाइन होता है इसेंट्रिसिटी, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि फोकस है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होता है वो ए ई होता है, ए इंटू ई। ठीक है, और ई को हम लोग बोलते हैं कि ई जो है हमारा इसेंट्रिसिटी है, सिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ इक्वेशंस भी लिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ई जो है हमारा इसेंट्रिसिटी है और क्या ए ई है, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पेरिजी, और ये जो पॉइंट है, जो अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि हम आगे चल के प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सन है, तो जो नजदीक वाला पॉइंट होता है उसको पेरिजी और इसको बोलते हैं अपोजी, यानी कि F1 लिखे हैं नियरेस्ट फोकस, जो F है नजदीक है, जिस पॉइंट से हम रेफरेंस ले रखे हैं उसके नजदीक वाले को बोलते हैं हम लोग पेरिजी, जो दूर है उसको एपोजी या अपोजी। ठीक है, और एक नाम होता है इसका पेरिलियन या एपिलियन, ऐसा कुछ करके बोलते हैं हम लोग, देख लेना। अपोजी, ठीक है, मोस्टली यही यूज होगा। और क्या बच गया, ये चीज हो गया, हाँ ये सन हो गया। तो यहां से अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, इसको बोल रहे हैं कि ये आर वन है और इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं आर टू। ठीक है, यानी कि आर वन अगर ध्यान से देखो तो ए वन माइनस ई दिख रहा है, आर टू जो है ए वन प्लस ई दिख रहा है फिगर से। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि अगर हमारे पास एलिप्स दिया हो तो एलिप्स के केस में ये सारे कहानी होते हैं, पेरिजी किसको कहते हैं, अपोजी किसको कहते हैं, ये सारी चीज पता हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया, बाकी जो हमारा ये क्या बोलते हैं केपलर्स लॉ है, तो केपलर्स लॉ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का आधा घंटा का टाइम ही मिलेगा, आधा घंटा में ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करोगे? इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं नहीं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा, करके देखना। यस सर। तो सर एसएचएम का क्या? एसएचएम एसएचएम फिर शुरू करेंगे। ठीक है सर, डिस्कशन क्लास में रहेगा। तो कर लिए हो सारे क्वेश्चंस? सर क्वेश्चंस के बाद करेंगे डिस्कशन क्लास। सर फरवरी में रखी है डिस्कशन क्लास। क्या? सर फरवरी में रखी है डिस्कशन क्लास। अच्छा ठीक है, तुम्हारा केवीपीआई है ना 31 को? यस सर। ठीक है, तो डिस्कशन उसके बाद ही कर लेंगे, एसएचएम उसका आ रहा है तो एसएचएम कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो तुम लोग कंप्लीट करो, इसके बाद छोटा सा बस रह गया है केपलर्स लॉ, जो कि तुम लोग 9th में भी पढ़े हो। ठीक है, तो 9th में हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सेकेंड लॉ में थोड़ा सा मैथमेटिकल आएगा बस, और कुछ नहीं। बाकी जो है थर्ड लॉ तो ऊपर हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो कल तो शायद क्लास होगा नहीं। हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। यस, सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो कल क्वेश्चंस करो, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको खत्म करके फिर एसएचएम शुरू करेंगे, एसएचएम भी पूरा लगभग मैथमेटिकल ही है।
और समझने का है, तो उसमें समझना है तो क्लास मत छोड़ना, और उसका कोशिश करते हैं कि मॉड्यूल मिल जाए, साथ साथ में करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा है। ठीक है फिर, और इसको खत्म करो, जहां भी जो दिक्कत आ रहा है उसको पूछो। थैंक यू सर। थैंक यू।